मैम बीजेपी के सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने शंकराचार्यों से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना कर दी है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से शंकराचार्यों का जीवन समाज के लिए होता है कुछ वैसे ही जिंदगी प्रधानमंत्री भी गुजारते हैं। मैं मानती हूँ कि ये या तो अज्ञानता है और या फिर किसी को बहुत लुभाने का एक बयान हो सकता है, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में सर्वश्रेष्ठ धार्मिक ज्ञाता के रूप में शंकराचार्यों का को बैठाया जाता है उस पीठ में। वो बहुत ही ज्ञानी, धर्म के ज्ञानी, समाज के, और उनका जो ज्ञान का दायरा है वो कहीं ज़्यादा है, और बहुत तप और परिश्रम के बाद ही कोई उस पद पे बैठने के अधिकारिक होता है। तो मैं मानती हूँ कि किसी भी सामान्य व्यक्ति को से उनकी तुलना करना ये उचित नहीं है। ये धर्म, हमारे धर्म में इसकी इजाज़त नहीं दी जाती है। और मैं तो ये भी कहूँगी कि अगर ये किसी को, ये कोई भी व्यक्ति जो ज़रा भी जिसके अंदर धर्म के प्रति धारणा होगी, वो इस बयान से अपने आप को सहमत नहीं कर सकता, भले ही वो प्रधानमंत्री जी ही क्यों ना हो। इस बयान का खंडन होना आवश्यक है। मैम बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने शंकराचार्यों से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना कर दी है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से शंकराचार्यों का जीवन समाज के लिए होता है कुछ वैसे ही जिंदगी प्रधानमंत्री भी गुजारते हैं। मैं मानती हूँ कि ये या तो अज्ञानता है और या फिर किसी को बहुत लुभाने का एक बयान हो सकता है, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में सर्वश्रेष्ठ धार्मिक ज्ञाता के रूप में शंकराचार्यों का को बैठाया जाता है उस पीठ में। वो बहुत ही ज्ञानी, धर्म के ज्ञानी, समाज के, और उनका जो ज्ञान का दायरा है वो कहीं ज़्यादा है, और बहुत तप और परिश्रम के बाद ही कोई उस पद पे बैठने के अधिकारिक होता है। तो मैं मानती हूँ कि किसी भी सामान्य व्यक्ति को से उनकी तुलना करना ये उचित नहीं है। ये धर्म, हमारे धर्म में इसकी इजाज़त नहीं दी जाती है। और मैं तो ये भी कहूँगी कि अगर ये किसी को, ये कोई भी व्यक्ति जो ज़रा भी जिसके अंदर धर्म के प्रति धारणा होगी, वो इस बयान से अपने आप को सहमत नहीं कर सकता, भले ही वो प्रधानमंत्री जी ही क्यों ना हो। इस बयान का खंडन होना आवश्यक है। ठीक है।